एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमें याद रखनी है जो हमने नोट करके लिखी है कि ऑल एट्रीब्यूट्स यूज्ड इन ग्रुप बाय क्लॉज मस्ट अपीयर इन सिलेक्ट क्लॉज। ठीक है, मतलब जो भी एट्रीब्यूट्स आपने ग्रुप बाय क्लॉज के अंदर लिखे हैं उन सभी एट्रीब्यूट्स को आपको सिलेक्ट क्लॉज में लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं लिखोगे तो चाहे कोई भी एसक्यूएल का वर्जन चला रहे हैं उसमें सिंटेक्स एरर आएगा। ठीक है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें माइंड में रखना है। अच्छा, और मैंने यहाँ लिखा ना ऑल एट्रीब्यूट्स, मतलब एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं ग्रुप बाय क्लॉज के अंदर। अभी तक जितनी भी मैंने आपको क्वेरीज कराई है उसके अंदर ग्रुप बाय क्लॉज के अंदर मैंने सिर्फ एक एट्रीब्यूट लिखा है। हम आगे चल के आपको क्वेरीज दिखाएंगे जिसमें हम एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि ग्रुप बाय के अंदर एक एट्रीब्यूट लिखना होता है, आप एक से ज्यादा भी लिख सकते हैं, पर जितने भी लिखेंगे उन सभी को आपको सिलेक्ट क्लॉज में लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं क्वेरी करके आपको समझाता हूँ। फाइंड नंबर ऑफ बुक्स सप्लाइड बाय सप्लायर, क्वेश्चन नंबर 9 है ये हमारा। अच्छा, एक बात और, शायद मेरे से थोड़ी सी गलती हुई है, मैंने 6 के बाद 8 एंड 9 कर दिया था, एक्चुअली 6 क्वेश्चन के बाद 7 फिर 8, अभी 9th क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा बस नंबरिंग में शायद मिस्टेक हुआ कुछ नहीं। ओके, तो फाइंड नंबर ऑफ बुक्स सप्लाइड बाय ईच सप्लायर, तो उसको कैसे करेंगे, सिर्फ हमें नंबर ऑफ बुक्स चाहिए, हर एक सप्लायर ने कितनी बुक्स दे रखी है। तो अगर आप ऐसे लिखेंगे ना क्वेरी को, सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम सप्लायर से निकालेंगे ना इसको, फ्रॉम सप्लायर और लिख देते हैं ग्रुप बाय एस नेम। पहली बात तो ये क्वेरी आपको लगेगी बिल्कुल मीनिंगलेस जब आप ग्रुप बाय करवा रहे हैं एस नेम के हिसाब से, काउंट स्टार करवा रहे हैं, मतलब इन द सेंस आप टपल की काउंटिंग करके देंगे, तो ऑब्वियसली आपको बोलना चाहिए ना कि किस सप्लायर का नाम है, उसने कितनी बुक्स दे रखी है, फिर अगले सप्लायर का नाम, उसने कितनी बुक्स दे रखी है। इस क्वेरी को देखते आपको समझ आना चाहिए था ये क्वेरी आपको आउटपुट किस हिसाब से चाह रही है। जैसे देखो, जैसे मैं पढ़ देता हूँ, फाइंड नंबर ऑफ बुक्स सप्लाइड बाय ईच सप्लायर, तो ऑब्वियसली बात है आपको सप्लायर का नाम भी चाहिए था और उसकी नंबर ऑफ बुक्स भी चाहिए थी। अगर आपने खाली नंबर ऑफ बुक्स लिखना चाहा, मतलब सिलेक्ट काउंट स्टार आप साथ लिख देंगे एस एस एन बी, मतलब नंबर ऑफ बुक्स फ्रॉम सप्लायर ग्रुप बाय एस नेम, तो बहुत मीनिंगलेस क्वेरी लगेगी आपको। सिंपली आउटपुट में सिर्फ ऐसे आ जाएगा एन बी आ जाएगा 5, 6, 10, 15, 20 इस टाइप से, तो ये आपको बिल्कुल मीनिंगलेस लगेगा। और एक्चुअली मैं आपको बता दूं आउटपुट आएगा ही नहीं, ये क्वेरी गलत है। ठीक है, क्यों गलत है, क्योंकि वही नोट के हिसाब से ऑल एट्रीब्यूट्स यूज इन ग्रुप बाय क्लॉज मस्ट अपीयर इन सिलेक्ट क्लॉज, आपने ग्रुप बाय क्लॉज में क्या लिखा है एस नेम, मैंने एस नेम नहीं लिखा ना, एरर है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको क्वेरी कराई है ताकि आपको फर्स्ट पॉइंट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और इनफैक्ट जितनी भी मैंने आपको पीछे क्वेरीज कराई है ग्रुप बाय क्लॉज के साथ, आई थिंक मैंने आपको 3 क्वेरीज कराई हैं, उन तीनों क्वेरीज में जाके देखिए जो मैंने ग्रुप बाय जो भी मैंने एट्रीब्यूट ग्रुप बाय क्लॉज में लिखा है वही एट्रीब्यूट मैंने सिलेक्ट क्लॉज में भी लिखा है। और मैंने आपको बिल्कुल कॉमन सेंस से समझाने की कोशिश की है कि अगर आप ग्रुप बाय क्लॉज में एसनेम लिख रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको एसनेम लिखना पड़ेगा ना, ये तो क्वेरी आपको बिल्कुल ही बकवास लगेगी, क्या है नंबर ऑफ बुक्स, किसके नंबर ऑफ बुक्स है, तो आपको प्रॉपर बोलना चाहिए था ना कि ये सप्लायर का नाम है और ये उसके नंबर ऑफ बुक्स है। तो इसलिए आप जैसे देखो अगर आप इस टाइप से चलाएंगे तो आपको अब थोड़ी सी ज्यादा मीनिंगफुल लगेगी क्वेरी। तो हम यहाँ एस नेम लिख लेते हैं, तो उसे ए नाम का सप्लायर, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई एंड सो ऑन। ठीक है, तो दैट इज मोर मीनिंगफुल क्वेरी। तो इसलिए याद रखना जो भी आप यहाँ पे ग्रुप बाय में लिखेंगे उसको सिलेक्ट में लिखना पड़ेगा, तो इसीलिए हम इसको लिख देते हैं सिलेक्ट एस नेम कॉमा काउंट स्टार। ठीक, ओके, अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। Any attribute that is not present in group by clause and we want to display it in output, this is output, then that must appear only inside aggregate function in select clause. ये बात भी बहुत important है, अगर आप इसको follow नहीं करेंगे तो error message आएगा। ठीक है, हमने यहाँ पे word भी देखो ना, लिखा था ना must लिखा था first rule में भी, तो दूसरे रूल में भी यही याद रखना, हमने इज नॉट करके लिखा, मतलब मे या मे नॉट वाली बात मैंने नहीं कही है आपको, प्रॉपर हम बोल रहे हैं, दैट मीन्स ये सिंटेक्स एरर होगा। तो अगर आप इस रूल को भी फॉलो नहीं करेंगे तो भी आपको एसक्यूएल सिंटेक्स एरर देगी, कोई वार्निंग नहीं आएगी, मतलब क्वेरी नहीं चल पाएगी। तो सेकंड पॉइंट एक्चुअली क्या कहना चाह रहा है, देखो आप क्या कर रहे हैं, जैसे मैं इसी क्वेरी से आपको समझाता हूं। जैसे अगर आप यहां कहना चाहें सिलेक्ट एस नेम कॉमा काउंट स्टार एस एन बी कॉमा करके मैं लिख देता हूं प्राइस फ्रॉम सप्लायर ग्रुप बाय एस नेम, तो जब आप इस टाइप से क्वेरी चलाएंगे तो आपको अपने आप से लगेगा कि ये बिल्कुल अजीब सी और बिल्कुल मीनिंगलेस क्वेरी है। क्यों? क्योंकि सप्लायर का नाम उठा लिया मैंने, एक ग्रुप बना लिया, उसमें नंबर ऑफ टपल्स को काउंट कर लिया, तो प्राइस का क्या होगा, मतलब किसका प्राइस, किस हर एक सप्लायर ने तो बहुत सारे प्राइसेस दिए होंगे, कोई 100 रुपए की किताब होगी, कोई 200 रुपए की, कोई 300 रुपए की, कोई 400 की, तो कौन से वाला प्राइस मैं निकाल के लाऊंगा। आप बात समझने की कोशिश कर रहे हो, देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं, जैसे देखो हर एक सप्लायर के लिए मेरे पास एक ही टपल आउटपुट में आया है, जैसे ये सप्लायर ने मैंने लिख दिया
तो सप्लायर नेम के हर एक सप्लायर नेम के कॉरेस्पॉन्डिंग मेरे पास एक एक टपल आया है आउटपुट टेबल के अंदर। अब अगर मैंने यहाँ के साथ प्राइस लिख दिया है तो आप मुझे बताइए प्राइस के अंदर मैं यहाँ पे ए नाम के सप्लायर का कौन सा प्राइस लिखूं? उसने तो पता नहीं कितनी किताबें दी होंगी, अगर उसने 10 किताबें दी हैं 100 की 200 500 600 700 पता नहीं कितने कितने प्राइसेस की होंगी, उसने 10 किताबें दे रखी हैं, तो कौन सा प्राइस निकाल लेता हूं मैं नहीं बता सकता। तो इसलिए याद रखना हम इस टाइप से ऐसे कोई भी रैंडमली एट्रीब्यूट उठा लिया नहीं ले सकते, यही चीज मैं यहां समझाने की कोशिश कर रहा हूं। दोबारा पढ़ो, एनी एट्रीब्यूट दैट इज नॉट प्रेजेंट इन ग्रुप बाय क्लॉज, ये देखो जो कोई भी ऐसा एट्रीब्यूट जो ग्रुप बाय क्लॉज में नहीं है, जैसे ये है प्राइस, अगर आप उस एट्रीब्यूट को सिलेक्ट क्लॉज में लिखना चाहते हो तो आपको उस पे एग्रीगेट फंक्शन लगाना पड़ेगा, बिना एग्रीगेट फंक्शन के आप ये नहीं लिख सकते। देखो हमने यही लिखा है एनी एट्रीब्यूट दैट इज नॉट प्रेजेंट ग्रुप बाय क्लॉज एंड वी वांट टू डिस्प्ले इट इन आउटपुट, मैं उसको आउटपुट में लेना चाहता हूं, देन दैट मस्ट अपीयर ओनली इनसाइड एग्रीगेट फंक्शन इन सिलेक्ट क्लॉज, बिना एग्रीगेट फंक्शन के आप नहीं लिख सकते, ठीक है ना। तो वहां पे आप देखो आपको खुद ही कंफ्यूजन आ रहा है कि प्राइस का कौन सा लाऊं, पहला दूसरा तीसरा पांचवा दसवां, बहुत सारे प्राइसेस होंगे उसके, तो बेटर क्या था, या तो आप लिखो ढंग से प्रॉपर क्या लिखेंगे, तो एवरेज प्राइस, या आप लिखो मैक्स प्राइस, या आप लिखो मिन प्राइस, तो जाके ज्यादा मीनिंगफुल लगेगा ना, जितने भी प्राइसेस होंगे सबका मिनिमम प्राइस आएगा यहाँ पे आपको आता रहेगा, दैट इज मोर मीनिंगफुल थिंग। तो इसलिए याद रखना ग्रुप बाय क्लॉज के अंदर जो आपने नाम लिखा है, समरी में दे देता हूं, जो भी एट्रीब्यूट्स आपने ग्रुप बाय क्लॉज में लिखे हैं आपको उनको सिलेक्ट क्लॉज में लिखना ही पड़ेगा, नहीं लिखेंगे तो एरर आएगा। दूसरी बात, अगर ग्रुप बाय क्लॉज में कोई एट्रीब्यूट है आप उसके अलावा कोई और एट्रीब्यूट सिलेक्ट क्लॉज में लिखना चाहते हैं तो एरर आएगा, अगर आप एरर से बचना चाहते हैं तो आपको उस एट्रीब्यूट को एग्रीगेट फंक्शन के साथ लिखना पड़ेगा, मतलब यहां पे प्राइस नहीं चलेगा। तो मैं यहां लिख सकता था से सबसे बेटर ऑप्शन होता है एवीजी, मतलब एवरेज प्राइस, ठीक। तो ये भी ध्यान रखना मैं प्रॉपर जो लिख रहा हूं ना, जैसे हमने एग्रीगेट फंक्शन आपको ये कैपिटल में लिख रहा ना, तो दैट मींस ये कीवर्ड टाइप है, ठीक है, दिस इज टाइप ऑफ अ कीवर्ड हियर, तो इसलिए एवीजी मैंने कैपिटल में लिखा है, ठीक। तो जो भी एग्रीगेट फंक्शन थे आप प्लीज उनको नाम चेंज मत कर देना, जैसे हमने लिखे थे मिन, तो आपको मिन ही लिखना है, मिन मैक्स एवरेज सम और काउंट, ये हमने पांच पढ़े है ना, तो इनको एज इट इज लिखना है, आप इनका नाम अपने हिसाब से कोई और चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। जनरली यही चलते हैं हर एसक्यूएल के, हर एसक्यूएल वर्जन के अंदर, इसलिए हमने आपको ये पांचों लिखाए हैं, ठीक है एकदम। तो दोबारा से मैं इस बात को छोटा सी रिपीट कर देता हूं कि आपने क्या करना है, जब जो भी एट्रीब्यूट का नाम आपने ग्रुप बाय क्लॉज में लिखा है उस एट्रीब्यूट का नाम आपको सिलेक्ट क्लॉज में लिखना पड़ेगा एज इट इज, इसके साथ कोई एट्रीब्यूट वो नहीं लगाना आपको, फंक्शन वंक्शन कुछ नहीं लगाना, और साथ साथ अगर इसके अलावा कुछ और लिखना है तो उसके साथ आपको जरूरी है कि आप कोई ना कोई एग्रीगेट फंक्शन लगाएं, या तो एवरेज लगाएं या मैक्स लगाएं या मिन लगाएं एंड सम, ठीक। ओके, अगर आप नहीं लगाएंगे तो आप खुद ही कंफ्यूजन में आएंगे कि कौन सा आउटपुट में लाऊं, क्योंकि जो भी सप्लायर का नाम होगा हर एक सप्लायर के लिए सिर्फ एक एक टपल आउटपुट में आ रहा है, अगर एक एक टपल आ रहा है तो लेकिन प्राइस तो उसके बहुत सारे हैं, तो कौन सा प्राइस मैं पिक करके लाऊं वो मुझे समझ नहीं आता, इसीलिए मुझे प्रॉपर लिखना चाहिए कि एवरेज प्राइस या मैक्स प्राइस या मिन प्राइस एंड सो ऑन।